अक्षरा ने पवन के खिलाफ कुछ बोला तो पवन के फैंस अक्षरा को न जाने क्या क्या बोल बैठे। लेकिन वही जब ज्योति सिंह बोलती हैं तो पवन के फैंस कुछ नहीं कर पाते। जी हाँ, ऐसा हमारा कहना नहीं है, ऐसा कहना है अक्षरा सिंह के ही फैन फॉलोइंग का। अक्षरा सिंह के फैन फॉलोइंग कहती है कि भाई अक्षरा सिंह अगर पवन सिंह के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो फिर अक्षरा सिंह को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। लेकिन वही पत्नी ज्योति सिंह अगर उन्हें कुछ बोलती हैं, सोशल मीडिया पर इशारे भी करती हैं, तो पवन सिंह के फैंस को दम नहीं है कि ज्योति सिंह को कुछ भी कह सके। इसके पीछे की लोग वजह जानना चाहते हैं और वजह हम भी आपको बताना चाहते हैं। इसके पीछे वजह ये है कि पवन सिंह की जो ससुराल पक्ष है वो काफ़ी दबंगई वाले हैं। जी हाँ, कहा जाता है ज्योति सिंह के चाचा तो विधायक रह चुके हैं, लेकिन खुद उनके पिता किसी दबंग इंसान से कम नहीं है। ज्योति सिंह के पिता और पवन सिंह के ससुर राम सिंह बहुत ही दबंग है और बलिया में इनका अच्छा खासा नाम है। बलिया में इनकी दबंगई का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कोई भी इनसे दुश्मनी लेकर बच नहीं सका है। अब ऐसे में पवन सिंह अगर ज्योति सिंह के खिलाफ कुछ भी कॉन्स्पिरेसी करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उससे पहले उन्हें उनके पिता और चाचा से भिड़ना पड़ेगा, जो पवन सिंह नहीं चाहते हैं। उन्हें पता है कि बलिया में वो कई बार स्टेज शो कर चुके हैं और ऐसे में अगर पवन सिंह ने कुछ भी उल्टा सीधा या उनकी फ़ैन फॉलोइंग ने कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो भाई इसका सीधा असर पवन के करियर पे गिरेगा। वैसे आपको बता दें कि इन दोनों में पिछले दिनों दूरियों का पता तब चला था जब नीलम सिंह के पुण्यतिथि के मौके पर पवन सिंह ने एक पोस्ट किया और उसके थोड़े ही देर बाद ज्योति सिंह ने जो लिखा उसके बाद तो भाई इंटरनेट पे बवाल ही हो गया। सोशल मीडिया में लोग तरह तरह के सवाल उठाने लगे। लेकिन हम आपको बता दें कि फिर भी पवन सिंह के फैंस ने ज्योति सिंह के अकाउंट पर कुछ भी अपशब्द नहीं कहा। यानी इससे ये पता चलता है कि कुछ ही लोग हैं जो कि स्टार्स को टारगेट करते हैं। वैसे आपको बता दें कि पवन सिंह के ससुर खुद ही एक बहुत दबंग इंसान हैं और वो अपनी बेटी के खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरे, इसलिए शायद पवन सिंह भी इस मामले में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं और अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।